7th अक्टूबर लास्ट 24 आवर्स में कोस्टल ओडिशा डिस्ट्रिक्ट में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में इंटीरियर ओडिशा डिस्ट्रिक्ट में कुछ कुछ स्थानों पर हल्का से मध्यम बारिश हुआ है। एक दो जगह करके हैवी रेनफॉल हुआ कोस्टल ओडिशा डिस्ट्रिक्ट में। हाईएस्ट रेनफॉल था हैवी रेनफॉल हुआ मेनली कटक नयागढ़ और खुर्दा डिस्ट्रिक्ट में। हाईएस्ट रेनफॉल था नाराज कटक डिस्ट्रिक्ट में 90.0 मिलीमीटर, उसके बाद मुंडाली 76.6 मिलीमीटर, हमारा भुवनेश्वर सिटी में बारिश हुआ 49.7 मिलीमीटर। और अक्टूबर का अभी हमारा फर्स्ट अक्टूबर से 7th अक्टूबर तक टोटल रेनफॉल एक्सेस रेनफॉल है, टोटल रेनफॉल हुआ है 69.5 मिलीमीटर, स्वाभाविक होता है 38.6 मिलीमीटर। अगला पांच दिन का जो फोरकास्ट हमारा अभी है, आज 7th एंड 8th बारिश का अमाउंट थोड़ा सा रिड्यूस होने का चांसेस है। इसमें साउथ कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट में कुछ मेनी प्लेसेस में और रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में कुछ कुछ स्थानों पर हल्का से मध्यम बारिश थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ हो सकता है। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का एक्टिविटी मेनली कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट ओंगोल ढेंकनाल बौद्ध कंधमाल कोरापुट मलकानगिरी रायगढ़ ये सब इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है। कल भी हमारा मेनली थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी के साथ ही हल्का से मध्यम बारिश रहेगा। फिर 9th एंड 10th स्लाइटली बारिश इंक्रीज करने का चांसेस है। इसमें मेनी प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश होने का चांसेस है, एक दो जगह में हेवी रेनफॉल भी हो सकता है। मेनली कोस्टल विशाखा जगत सिंहपुर बूढ़ी खुर्दा गंजाम गजपति कटक ये सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। फिर 11th में बारिश रिड्यूस फिर रिड्यूस होने का चांसेस है, इसमें कुछ कुछ स्थानों पर हल्का से मध्यम बारिश रहेगा। और भुवनेश्वर कटक ट्विन सिटी में हमारा अगला तीन चार दिन तक एक दो स्पेल्स करके थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश होने का पॉसिबिलिटी है, जनरली क्लाउडी स्काई रहेगा।